मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। केंद्रीय विद्यालय कानपुर कैंट में राष्ट्रीय एकता पर्व व एक भारत श्रेष्ठ भारत कला उत्सव का शुभारंभ। दिनांक 28 अगस्त 2023 को केंद्रीय विद्यालय कानपुर कैंट के प्रांगण में दो दिवसीय संकुल स्तरीय राष्ट्रीय एकता पर्व व एक भारत श्रेष्ठ भारत कला उत्सव 2023 का शुभारंभ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एयर कोमोडोर शमशेर सिंह दलाल ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया। विद्यालय प्राचार्य श्री सोमपाल ने आए हुए गणमान्य अतिथियों का हरित पौध देकर का स्वागत किया। उन्होंने विद्यार्थियों व उनके अनुरक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय एकता पर्व व एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय को अलग अलग प्रांत इस उद्देश्य के साथ आवंटित किए जाते हैं कि विद्यार्थी अपने देश की सांस्कृतिक विरासत से परिचित हो सके। भारत जैसे बहुसंस्कृति देश में भिन्न भिन्न भाषाओं वेशभूषाओं और रीति रिवाजों कला संस्कृति खेलकूद सब में भिन्नता होते हुए भी एकता का संदेश मिलता है, जिससे कि प्रत्येक प्रांत का विद्यार्थी अपने साथी राज्य के बारे में सूक्ष्मता से परिचित होता है। प्राचार्य जी ने लखनऊ संभाग के उपायुक्त महोदय श्री डी के द्विवेदी जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हम उपायुक्त महोदय के बहुत आभारी हैं जिन्होंने हम पर विश्वास किया और इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आयोजित करने का सुअवसर प्रदान किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गायन वादन नृत्य तथा नाट्याभिनय की विभिन्न विधाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय चकेरी नंबर 3 श्री राजगुरु व प्राचार्य नंबर 2 चकेरी श्री मनोज वर्मा कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहे। निर्णायक मंडल में शहर की जानी मानी कथक गुरुडा राखी बाजपाई पलक मिश्रा, नाट्याभिनय में श्री विश्वनाथ गोराई श्री रविशंकर त्रिपाठी व श्री विकास भारती की गरिमामयी उपस्थिति रही। ये दो दिवसीय कार्यक्रम समन्वयक उप प्राचार्य श्री अमोद कुमार जी व सह समन्वयक सुश्री जयती और श्री एस बी ओझा के निर्देशन में होगा। संचालन श्रीमती जया शर्मा और दीपा सोनकर ने किया। उप प्राचार्य श्री अंचल सक्सेना ने आए हुए अतिथियों निर्णायकों विद्यार्थियों अनुरक्षकों तथा उपस्थित मीडिया संवाददाताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया।